वीरेंद्र सिंह मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकली निर्णय मैंने कल भी कहा था, आदमी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मैं जो कुछ कह दूंगा मेरे मुंह से निकलने के बाद मुझे वो, मैं उसके लिए जिम्मेदार हो जाता हूँ। ऐसी सभा में कोई चीज़ निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी सभा तय करें तो उसके लिए पहले आपको निर्णय लेके आना चाहिए। उससे थोड़ा सा सपोर्टर जो है वो निराश होके जाता है कि कुछ बताया नहीं। अगर सभा कॉल कदीर ये था कि प्रचार ये था कि मैं कुछ फैसला लेने जा रहा हूँ। देखिए जेजेपी एक जेजेपी का बीजेपी का एक गठबंधन है, वो यहाँ लेवल पे नहीं होता। अगर यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं तो खाली सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, ये हाईकमांड तय करता है, फैसले ऊपर होते हैं। उसे ना हम तोड़ सकते ना कैबिनेट तोड़ सकती, वो पार्टी के संगठन के मामले हैं। उस पर कंडीशन डालना मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैच्योरिटी की बात है। उन्हें अपना कुछ मामला है तो सीएम साहब से कहें, पार्टी से, तो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं या स्टेट में बहुत बार 20 साल से मिनिस्टर हैं, एक्सपीरियंस में मेरे बराबर ही है, वो मेरे से ज़्यादा कह सकता हूँ। तो मेरा ये है, वो दोस्ताना वाली उनसे ये सलाह है कि अब इस उम्र में जो भी फैसला करें ठीक करना चाहिए। आदमी की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स अपना करके ये थोड़े कि हम उसे समाप्त करने जाएं, उससे पहले अपना वो बराबर रहना चाहिए जिसे लोग बराबर देखते हैं। मैं इस पक्ष में था कि उन्हें कोई फैसला जो भी था मैं पार्टी में कंटिन्यू करूंगा या जो उन्होंने करना था वो करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि उनके वर्कर भी निराश हुए हैं। मैं बड़ा ऑनेस्टली कमेंट था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।